ये जो दृश्य है ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है। अगर बारिश न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी, और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है, मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा। आप लोग तो यही के हैं, आप आदि हैं, आपके लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं होता है, लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे दो तीन हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महत्व है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने, जैसे टूथब्रश करना हमेशा का काम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे भाई ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कॉन्सेंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। आपने देखा होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे 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 उनका मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है, और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। एक काम करते हैं लेकिन 10 जगह पर दिमाग भटकता है तो उसकी थकान होती है। और इसलिए ये जो ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी को अभी छोड़ दीजिए, उसका जब समय आएगा तब कर लेना, अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा, आपकी विकास यात्रा का एक बड़ा मजबूत पहलू बन जाएगा। और इसलिए योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है,
विश्व के हर कोने में लाभ होता है। मैं अभी दो दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा, इजिप्त ने, मिस्र ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने टूरिज्म से जुड़े हुए जो आइकॉनिक सेंटर्स थे वहां पर जो बेस्ट योगा की फोटो निकालेगा या वीडियो निकालेगा उसको अवार्ड दिया। और वो जो तस्वीरें मैंने देखी, मिस्र की बेटी बेटियां सारे आइकॉनिक पिरामिड वगैरह के पास खड़े रह करके अपने योगा की मुद्राएं कर रही है, इतना आकर्षण पैदा कर रही है। और कश्मीर के लिए तो योग एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है, टूरिज्म के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा, ठंड बढ़ी, मौसम ने भी थोड़ा चुनौतियां पैदा की, फिर भी आप डटे रहो। मैं देख रहा था कि हमारी कई बेटियां ये दरी को ही अपने जो योगा मैट था उसी को बारिश से बचाने के लिए उपयोग कर रही थी, लेकिन गई नहीं, डटी रही। ये अपने आप में बहुत बड़ा सुकून है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू।